अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, यू आर वॉचिंग कुकनोलॉजी। आज मैं बनाऊंगी मसाला भिंडी, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। कभी कभार कुछ डिफरेंट करने से बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। सेम केस इस मसाला भिंडी के साथ हुआ है। ये मसाला भिंडी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लें। 1 किलो भिंडी है मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 2 बड़े खाने के चम्मच जाएंगे बेसन। अब अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर देना है ताकि भिंडियों पर सारा बेसन लग जाए। इस तरीके से भिंडियाँ धुली हुई थी इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना आप 2-3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेना है। आप ये मैरिनेटेड भिंडियाँ इसमें जाएंगी, इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। देखें, भिंडी फ्राई हो चुकी है, बस अब इनको उतार लूँगी। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया, 2 बड़ी साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड की, साथ ही 1 खाने का चम्मच जीरा ऐड किया और अच्छे तरीके से मैं इनको फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई ऐड की, 2-3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूंगी जब तक लहसुन अदरक की खुशबू आनी शुरू हो जाए। 3 बड़ी साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो ऐड किया, साथ ही ऐड की 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी, 1/2 चाय की चम्मच गरम मसाला, 1 चाय की चम्मच धनिया पाउडर। बस अब अच्छे तरीके से भून के बड़ा ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करना है। छः-7 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके ऐड की और साथ ही 1/2 कप दही ऐड किया और इसको अभी मज़ीद 5-6 मिनट भून के मैं अच्छा सा मसाला रेडी करूँगी। देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। फ्राइड भिंडी को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करना है। अब मैं कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम पे। देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी रेडी हो चुकी है। ऊपर से सब्ज़ धनिए से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।